जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2023 को सुबह का श्री केदारनाथ धाम से आप सभी लाइव दर्शन कर रहे हैं और आप सभी देख सकते हैं केदारनाथ धाम यानी मंदिर के पास मौसम कैसा है और माहौल इस समय केदारनाथ धाम में किस प्रकार बना हुआ है। इस समय मंदिर के पास हजारों श्रद्धालु मौजूद है और इस समय बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं दर्शन के लिए कतार में खड़े हुए हैं और कुछ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है, क्योंकि मंदिर में जो दर्शन है वो सुबह 4 बजे से ही शुरू कर दिया जाता है और सुबह के समय जो दर्शन है वो कुछ श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को सभा मंडप से ही इस समय दर्शन कराया जाता है। और अगर आप सभी को गर्भगृह का दर्शन करना है गर्भगृह में जाकर, तो उसके लिए आप सभी को VIP टिकट लेना पड़ेगा और जिसका चार्ज है 2100 रुपया, 2100 रुपया आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सभी गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, केदारनाथ धाम में जो इस समय है ठंड पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए अगर आप सभी यात्रा पर आते हैं तो गर्म कपड़े लेकर आएँ। और 1-2 दिनों में केदारनाथ धाम में मौसम थोड़ा बिगड़ सकता है और बारिश या बर्फबारी शुरू हो सकती है केदारनाथ धाम में, इसलिए आप सभी रेनकोट भी अवश्य लेकर आएँ। और दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे केदारनाथ धाम में इस समय रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, तो इस समय केदारनाथ धाम में जो है होटल और टेंट दोनों अवेलेबल है और अगर आप चाहे तो आप डोरमेट्री में भी रुक सकते हैं। अगर मैं टेंट का बात करूं तो 500 रुपया पर पर्सन आपको देना पड़ेगा, वहीं अगर आप ग्रुप में आते हैं और टेंट में रुकते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, 400-350 रुपया इस प्रकार टेंट में आपको पर पर्सन ग्रुप में पड़ने वाला है। वहीं अगर डोरमेट्री का बात करें तो 800 से 1000 रुपया आपको डोरमेट्री का पड़ जाएगा केदारनाथ धाम में। और वहीं अगर होटल का बात करें तो होटल में भी है, अगर आप शेयरिंग में रहते हैं एक कमरे में 2-3 बंदे तो आपको 1500, 1200, 2000 इस प्रकार आपको होटल में भी एक दिन के रुकने के लिए केदारनाथ धाम में देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ही कुछ रेट इस समय केदारनाथ धाम में ठहरने के लिए चल रहा है। वहीं अगर खाने पीने चीज़ों के बारे में बात करें तो खाने के लिए जो आपको है 250 से 300 रुपये के बीच पर प्लेट खाना मिल जाएगा, जिसमें 4 रोटी, थोड़े चावल, दाल और 1 सब्जी मिल जाएगा। वहीं पानी की बात करें तो 100 रुपया पर बोतल और 10 वाली बिस्कुट जो है वो 50 रुपया, मैगी जो है वो 80 रुपया और चाय जो है वो 40 रुपया में आप सभी को केदारनाथ धाम में इस समय मिलता है। लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है, इतनी ऊँचाई पर लाने के लिए भी सामान को बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है और हम लोगों को यहाँ पर ये सब चीज़ें मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, यात्रा से जुड़े ज़रूरी जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप क्लिक करके हमारे चैनल को फॉलो करें और केदारनाथ यात्रा की सभी ज़रूरी और बड़ी जानकारी पाते रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आगे भी केदारनाथ यात्रा से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।